सो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। में आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नई नवेली बजाज की NS125 के बारे में, जो कि हो चुकी है पूरी तरह से अपग्रेड। और आज बात करेंगे इसी बाइक के बारे में कि 2024 में आपको क्या क्या फीचर ऑफर करी जा रही है NS125 में। चले भी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मैं आपको पहले बता दूँ कि ये बाइक बिलोंग करती है RM बजाज रावकला ओडिशा शोरूम से। अगर आपको बजाज की कोई भी बाइक लेनी हो तो इनका नंबर आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चले भी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कलर में आपको मिलेगी टोटल 4 कलर का ऑप्शन, और ये इसका ग्रे वाली गाड़ी है। इसके अलावा मिल जाती है भाई ऑरेंज कलर में, रेड कलर में, एंड आपको मिलेगी ब्लू कलर में भी NS125 जो है। तो अगर चेंजेस की बात करें तो NS160 एंड NS200 को जैसे कि किया गया अपग्रेड, तो उसी हिसाब से आपको मिलेगी यहाँ पे NS125 में भी। इसका हेडलाइट का पूरा प्रोफाइल चेंज, यानी कि जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे एक ही जगह में दी जा रही है DRL। LED का पूरा आपको मिलेगा यहाँ पे सेटअप वगैरह, थोड़ी सी यहाँ पे स्लिक मिलेगी तो पूरा आपको मिलेगा यहाँ पे LED का सेटअप वगैरह। एंड दिस इज द इंडिकेटर को मिले यहाँ पे हैलोजन बेस में, यानी कि बल्ब दी जा रही है। एंड अगर फ्रंट टायर की बात करें दिस वन, तो 80-117 इंच की फ्रंट व्हील आपको मिल जाती है ग्रे कलर के अलॉय के साथ। आपको मिलेगी यहाँ पे फ्रंट डिस्क 240 mm का रखा गया इसका फ्रंट डिस्क का साइज। एंड ये बाइक आपको मिलेगी CVS के साथ, यानी कि कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाती है इस बाइक में। एंड रिफ्लेक्टर यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो आपको मिलेगी फ्रंट में, टेलीस्कोपी 4K सस्पेंशन राइट दिस वन। ये होगा इसका फ्रंट मडगार्ड, जहाँ पे आपको मिलेगी कार्बन टेक्सचर का जो है ट्रीटमेंट, ये देख लो ठीक है ना। अभी आते हैं साइड की ओर। सो ये होगा इसका साइड प्रोफाइल, यानी कि 125cc में आपको यहाँ पे ऑफर करी जा रही है के स्पोर्ट्स, यानी कि नेकेड स्पोर्ट्स टाइप की देखने वाली बाइक जैसे देख पा रहे हो। एंड आपको मिलेगी यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह, ये देख लो एक्सटेंशन मिल जाती है यहाँ पे, जिसके ऊपर लिखा गया 125 करके ठीक है ना। फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पे मिल जाता है स्टिकर के साथ। एंड आपको मिलेगी यहाँ पे वेंट टाइप की इसके मिडिल काउल में, टैंक के ऊपर यहाँ पे लिखा गया है पल्सर 3D वाले लोगों के साथ। एंड आपको मिलेगी 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है बाइक का। एंड E20 आपको मिलेगी कॉम्प्लाइंट ठीक है। एंड ये होगा इसका साइड प्रोफाइल NS125 का। देन रियर काउल में यहाँ पे मेंशन किया गया है NS125 करके। ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं इसके ऊपर जैसे देख पा रहे हो। एंड ये होगा इसका टेल लाइट का प्रोफाइल, फैमिलियर जो है आपको मिलने वाली है टेल लाइट का प्रोफाइल, यानी कि यहाँ पे 2 बार दी जा रही है जो कि LED मिलने वाली है। देन आपको मिलेगी यहाँ पे हेलोजन की इंडिकेटर्स बल्ब में, रिफ्लेक्टर, एंड दिस वन इज द टायर हगर का पार्ट। एंड अगर रियर टायर की बात करें आपको थोड़ी सी यहाँ पे मिल जाती है चौड़ी वाली जो टायर इसके रियर सेक्शन में, तो आपको मिलेगी 190-17 inch की रियर व्हील। एंड रियर में आपको कोई भी डिस्क का पार्ट यहाँ पे ऑफर नहीं करी जाती है। आपको मिलेगी यहाँ पे ड्रम ब्रेक का जो है फीचर। एंड ये रहा इसका पिलियन फुट पैक मेटल के साथ, राइडर फुट पैक आपको मिलेगी यहाँ पे रबर पैडिंग के साथ, दिस इज द ब्रेक पेडल। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा गार्ड जैसे देख पा रहे हो। आपको मिलेगी इस बाइक में किक का फीचर, एज वेल मिल जाती है यहाँ पे सेल्फ का भी फीचर, वो देख लो तो काफ़ी सही बात है। एंड ये हो गया इसका बेली काउल, तो ज़्यादा ब्रॉड नहीं है बस छोटी सी यहाँ पे दी जा रही है, जिसके ऊपर आपको दी जा रही है यहाँ पे ग्राफिक्स, ये देख लो ठीक है ना। सेंटर स्टैंड मिल जाते हैं आपको, मिलेगी साइड स्टैंड का भी फीचर यहाँ पे, दोनों दी जा रही है इस बाइक में। देन अभी आते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की ओर, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे मिलने वाली है साड़ी गार्ड, ये देख लो। एंड आपको मिलेगी यहाँ पे मोनोसोक के सस्पेंशन विथ आपको मिलेगी नाइट्रोस का यहाँ पे फीचर, ये देखो ठीक है। तो ये हो गया इसका रियर सस्पेंशन। आपको मिलेगी इस बाइक में 5 गियर, ये देख लो ठीक है। और अभी आते हैं इसके सीट के ऊपर। एंड सीट का अगर आप इसके रियर सीट को ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ से की एक्सेस करके इसके रियर सीट को भी ओपन कर सकते हो। तो ये हो गया इसका सीट, आपको मिलेगी यहाँ पे स्प्लिट टाइप की सीट, जिसके ऊपर हल्का फुल्का यहाँ पे मिलेगा टेक्सचर वगैरह। 805 mm का इसका रखा गया सीट हाइट, इसका जो राइडर जो सीट हाइट है। एंड आपको मिलेगी भाई डिसेंट साइज की यहाँ पे इसका सीट वगैरह, यानी कि राइडर सीट देखिए आपको मिलेगी काफ़ी जो है यहाँ पे कंफर्टेबल। एंड इसका जो पिलियन जो सीट है ये भी आपको मिलेगी अच्छी खासी यहाँ पे रखा है, इसका जो चौड़ाई वगैरह है। ग्रैब रेल का पार्ट आपको मिलेगा यहाँ पे स्प्लिट टाइप की ठीक है। तो अभी चले चलते हैं इसके क्लस्टर की ओर, जो कि अभी आपको मिलने वाली चेंज पूरी तरह से। सो ये हो गया इसका क्लस्टर, यानी कि नो एनालॉग आपको मिलने वाली अभी पूरी डिजिटल वाली क्लस्टर यहाँ पे। एंड ये रहा इसका की ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। सो पूरी डिजिटल वाली क्लस्टर आपको मिल जाती है इस गाड़ी में अभी, और आपको मिलेगी यहाँ पे स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर जैसे कि आप देख पा रहे हो। एंड ये हो गया इसका गियर शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ पे जैसे शो कर रही है। देन आपको इस बाइक में मिल जाते हैं स्मार्ट कनेक्ट का फीचर, यानी कि आपको मिलेगी ब्लूटूथ का फीचर, पेयर कर सकते हो, नोटिफिकेशन आप आराम से पा सकते हो जब आप इसको पेयर करोगे अपने मोबाइल के साथ। सो
होगा इसका क्लस्टरक एरिया एंड ये हो गया मोड एंड सेटिंग बटन। डिस्टेंस टू एम्पटी जैसे कि यहाँ पे शो कर रही है, देन इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे शो कर रही है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसे कि हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा आपको मिलने वाला है इसके क्लस्टर के एरिया में, यानी कि 125 में। तो स्विचेस भाई ये देख लो, तो ये हो गया भाई कॉल कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट का जो बटन वगैरह, एंड दिस वन इज द इंडिकेटर हॉर्न इंजन किल स्विच, देन दिस वन इज द सेल्फ का स्विच, ठीक है। एंड ये हो गया इसका फास्ट लाइट का स्विच। मिरर सबको मिलेगी स्टॉक बाइक के साथ ही। देन अभी सुनते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट और स्टार्ट करते हैं बाइक को। सो आपको मिलने वाले यहाँ पे अंडर वेली एग्जॉस्ट, ये देखो, और साउंड को मिलने वाले काफ़ी ज़बरदस्त है कि ना भाई, सुन लो फिर से राइट। एंड आपको मिलेगी यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट वगैरह जो कि रात के टाइम में काफ़ी मस्त लगेगी, ये देख लो। देन अभी करते हैं इसको बंद। सो अभी बात करते हैं इंजन की, तो आपको मिलेगी यहाँ पे 124.45 cc की एयर कूल इंजन जो कि पावर निकालने वाली है भाई 8.82 kW की, एंड 11 Nm का आपको मिलेगा इसमें टॉर्क राइट। एंड अगर माइलेज की बात करें भाई 125 cc बाइक है तो आप मान के चलो भाई 55 से लेके 60 तक आपको मिलने वाले जो है इसका एवरेज वगैरह है, यानी कि इकोनॉमी जो है अगर प्यार से चलाओगे तो, ठीक है। देन अभी प्राइसिंग, तो प्राइसिंग जो राउरकेला में इसका जो एक्स रूम प्राइस आ जाएगी 1,11,000 की, एंड अगर ऑनरोड की बात करूँ तो इस बाइक का जो ऑनरोड प्राइसिंग आपको लगभग आपको आ जाएगी 1.34 lakh की। तो भाई यही था आज का वीडियो दिस न्यू NS125 के बारे में, और होप सो आपको ये बाइक काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं, धन्यवाद।